वर्णेन मुंजेति, एक वस्त्र को धारण करें और आहार के समय भी वस्त्र सहित ही भोजन करें। मतलब आप सोचो कि कुछ गड़बड़ इसमें भी चल रही होगी, कुछ गड़बड़ इसमें भी चल रही है। तो कुंद भगवान उसकी तरफ सचेत कर रहे हैं कि तुमको जो है वो ऐसा नहीं है कि साहब आहार के समय तो अब जरूरत नहीं है, महिलाएं स्त्रियां हैं वो करा रही हैं तो अब हम हो जाएं, नहीं। एक वत्था, एक वस्त्र ही रखना है आपको, और वत्था वर्णेन, मैंने दो बार वस्त्र शब्द का प्रयोग कर रहे ना, एक वत्था और वत्था वर्णेन भुंजे। तो मुनियों के लिए चर्या बताई इकठानम्मी, श्रावकों के लिए चर्या बताई भमे, तुम भूम करके चार घरों से इकट्ठा करो, और आरिकाओं को कहा कि नहीं तुम्हारे को, लेकिन तुमको नहीं घूमना है, ये 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 इनके लिए आरिकाओं के लिए कह रहे हैं, तुमको नहीं चार जगह से घूम करके इकट्ठा करना है। अब उसमें भी छुल्लिका वगैरह जो होती हैं उनके लिए जो छुल्लक का नियम वहाँ है तो ये लग सकता है, लेकिन अभी इसमें ऐसा कोई उल्लेख नहीं है। हैं क्या कह दिया नहीं, ये नहीं वो ठीक है, हाँ हाँ ठीक है, नहीं दिन एक बार ही करें, लेकिन वो जो है ना वो इकट्ठा करे, भ्रमण करके इकट्ठा करे, वो शायद स्त्रियों को नहीं कहेंगे, स्त्रियों को नहीं कहेंगे, मूलाचार आदि में देख सकते हैं, क्योंकि वो शोभनिक नहीं होगा। स्त्री जो है वो चार जगह से इकट्ठा करे पात्र से, तो वो जैसे मुनियों को उन्होंने कहा ऐसे स्त्रियों को उनने इसके लिए कहा। तो इस प्रकार से जो है ये, और एक बात बताना ये है कि आचार्य भगवान जो है ना गड़बड़ देख रहे हैं, गड़बड़ देख रहे हैं। एक तो गड़बड़ हो रही है इनकी रोटी कपड़ा मकान तीन चीज़ें हैं ना, तो एक तो रोटी में गड़बड़ हो रही और दूसरी कपड़ा में गड़बड़ हो रही और मकान की बात अभी इसमें नहीं छेड़ी है। तो जो है वो भी करते हैं, मकान की बात भी करते हैं, अनेक जगह पर करी है, खूब करी है, मूलाचार आदि में करी है, ये भी कुमकुम भगवान ने भी अन्यत्र करी होगी। तो जो है यहाँ तो इन्होंने दो चीज़ों को टारगेट किया है मुख्य रूप से, और दो चीज़ों में विकृति उनको विशेष दिख रही थी, विशेष दिख रही थी। और ये बाह्य लिंग से संबंधित है ना, बाह्य द्रव्य लिंग से संबंधित है, ये जो चीज़ें हैं ना ये द्रव्य लिंग से संबंधित है, ये इसका ये भी द्रव्य लिंग है। एक बार दिन में ले आहार, ये भी द्रव्य लिंग है। क्यों द्रव्य लिंग है? क्योंकि ये इससे तो कोई रास्ते चलता आदमी पहचान लेगा, अरे तुमने सुबह भी किया था और आप फिर से तुम आहार कर रहे हो, ये चर्या नहीं है, ये द्रव्य लिंग है, मैंने कोई भी पहचान जाए उसको, बहुत सामान्य बुद्धि वाला भी जिसको नग्नता को कौन नहीं पहचान सकता। पानी पत्ते कहा हाथ कर, तुम पात्र में भोजन कर रहे हो तो तुरंत पकड़े जाओगे, तुरंत मतलब वो समझ में आ जाएगा। इसलिए द्रव्य लिंग का मतलब ये है कि जो सामान्य व्यक्ति भी दूर से जिसको समझ ले, उसका नाम द्रव्य लिंग। तो इसलिए जो सात शेष गुण है ना ये मुख्य रूप से ये द्रव्य लिंग से संबंधित है। कभी कभी आपने देखा होगा ऐसा, कई बड़े जब वो आचरण की शिथिलता होती है ना, तो वो शिथिलता जो है वो बहुत खराब स्तर पर भी पहुंच जाती है। बहुत दिन पहले की बात है, कोई मुनि महाराज बन के बैठे थे और बाद में जो है दोपहर में वो कहीं पे बोले वो चौक पे खड़े तो, और उसके लिए कपड़े पहन के आ गए, पहचान में नहीं आए। तो वहाँ पर हमारे वहाँ सागर में जो है ना कोई एक पकड़े गए थे, वो दादाजी जो है ना वही उनके घर की गली में ही, वो वहाँ मंदिर में रहते थे, और ये उनको ये लगा कि ये तो घर जो है अब ऐसे ही है, यहाँ कोई अपने समाज के लोग रहते नहीं हैं, तो वे यहाँ पर कपड़े पहन के आ गए दोपहर में चाट के लिए। तो वो जो है इनने बोला अरे यार कैसे कर रहे इनको तो मैंने मंदिर में देखा था, वही है। तो उनने उनकी वो करी और बाद में पता चला कि ये तो वही है। तो ऐसे जो है ये द्रव्य लिंग इसको बोलते हैं। तो इस प्रकार से इसकी भाव लिंग तो अंदर की बात है। चलिए विशेष चर्चा आगे करेंगे।